ओके आई नो मैं बहुत टाइम बाद एक वीडियो अपलोड करी हूँ बिकॉज मेरा एग्जाम था और मैं वहाँ पर लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट आई हेट एग्जाम्स. हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल द डस्की मरमेड. आई एम मानसी सिंह एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट विंटर शीन हॉल और ज़्यादा करके मैंने कपड़े जो हैं वो एक टेडी जो उनका निकला था टेडी कलेक्शन काइंड ऑफ तो वो मैंने वहाँ से उस कलेक्शन से मैक्सिमम कपड़े खरीदे हैं. और क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर अपलोड की थी अपनी विद अ हुडी रेडी हुडी तो मुझसे सबने पूछा था कि ये बहुत क्यूट है आपने कहाँ से ली हमें बताओ. तो मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ हॉल वीडियो ताकि सबको एक बेटर पता चले कि वो दिखती कैसी है क्या उसका प्राइस है और बाकी मैंने और भी क्या क्या लिया है सेम स्टफ में सेम टेडी स्टफ में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो ये जो हाई नेक स्वेटर है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है जितने भी मैंने अभी तक शॉपिंग की है क्योंकि इसका जो फर है वो शेड नहीं होता और ये इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि इसको पहन के इतना अच्छा लगता है कम्फी कम्फी क्योंकि थोड़ा सा ओवर साइज भी है. सो मतलब बहुत ज्यादा ओवर साइज नहीं दिस इज एक्स्ट्रा स्मॉल एंड स्टिल दिस इज सो ओपन ऑन मी. तो इसका स्टाइल यही है थोड़ा बैगी थोड़ा सा क्रॉप बहुत ज्यादा क्रॉप नहीं थोड़ा सा क्रॉप है बिल्कुल. और इसकी बेस्ट चीज ये है कि ये बहुत वार्म है ये अच्छा दिखता है इसको पहन के काफी लगता है और ये विंटर्स में काम आता है. दिस हुडी इज सो कंफर्टेबल ऑल्दो ये टेडी मटेरियल में नहीं है क्योंकि मैंने मैक्सिमम चीजें टेडी ली है बट कुछ कुछ चीजें बीच में मैंने जैसे नॉर्मल भी ली है तो आई थॉट कि ये भी शेयर कर ही देते हैं. तो ये जो हुडी है ये कॉटन मटेरियल है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है ज्यादा वार्म नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई फ्लीस मटेरियल नहीं है बट ये काफी वार्म है बहुत कंफर्टेबल है और एक्चुअली इसकी बेस्ट क्वालिटी है इसकी हुड. एक्चुअली मैंने ये हुडी ली इसलिए थी क्योंकि इसके ऊपर क्रेजी कैट लेडी लिखा हुआ है और इसके कान ऐसे थे तो मेरा मेन मोटिव यही था कि ये बहुत ही इंस्टाग्राम वर्दी हुडी है एंड या दिस इज दिस इज द हुडी जो बहुत ज्यादा मुझसे पूछा था सबने कि कहाँ से ली है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है. एक्चुअली ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है एंड लाइक अनदर टेडी स्वेटर ये बहुत ज्यादा वार्म है और ये मुझे इतनी ज्यादा पसंद है कि मैं शायद इसके जितने भी कलर्स थे सबके सब ले लूँ. दिस इज सो नाइस दिस इज सो सॉफ्ट एंड सो वार्म और बेस्ट चीज इसकी ऑब्वियसली जिसलिए मैं कपड़े खरीदती थी मशीन से द क्यूटनेस फैक्टर लाइक so cute और ये कान खुद खड़े रहते हैं. दिस इज द बेस्ट. सो दिस स्वेटर इज माय लीस्ट फेवरेट क्योंकि मैंने जब इसको पिक्चर्स में देखा था तो ये इतना ज्यादा क्रॉप नहीं लग रहा था बट एक्चुअली दिस इज सो क्रॉप इट लुक लाइक अ ब्लाउज तो ये बहुत ज्यादा क्रॉप है ऑल्दो इट लुक्स रियली नाइस इफ यू आर इनटू क्रॉप स्वेटर्स क्योंकि ये वॉर्म है परफेक्ट है सुंदर दिखता है kind of flatters my body तो बुरा नहीं है just not my style और क्योंकि मैं इसको अकेले भी नहीं पहन सकती है तो I think with a jacket it will look good it's not a bad sweater but yeah it's too crop. So to counter this cropness I think जो मैंने एक teddy jacket ली है ये अगेन द सेम टेडी मटेरियल क्योंकि मैंने मैक्सिमम चीजें तो टेडी ली है तो आई थिंक ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रिटी लगने वाली है और इसका कलर इतना ज्यादा पेस्टल पिंक इट लुक्स सो गुड फील सो सॉफ्ट एंड अगेन दिस इज वेरी वार्म लाइक बहुत ज्यादा वार्म है ये. तो इफ यू आर वेयरिंग अ क्रॉप स्वेटर या कुछ भी फैंसी नीचे और उसके ऊपर इफ यू पुट दिस यू आर सॉर्टेड यू लुक also got a waterfall coat so if you are not into zipper hoodies जो इससे पहले मैंने आपको दिखाई you can definitely get this ये बहुत ज्यादा pretty लगता है पूरा यहाँ पे एक waterfall इसका effect जो बनता है जो waterfall coats में होना चाहिए वही बनता है and it is again soft and warm so अभी तक I don't think so ऐसी भी कोई भी चीज है जो उतनी warm नहीं है so जो शीन का विंटर कलेक्शन है वेरी इम्प्रेस्ड कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है इसमें से एक भी ऐसा आइटम नहीं जो शेड करता हो या जिसका फर खराब हो कहीं से.
So the last thing I got is this basic black high neck plain sweater, and I think ये बहुत ज़्यादा staple है, हर एक के पास होनी चाहिए, because you can wear it with any outfit possible. And इसके साथ match करने के लिए मैंने एक cotrice skirt ली है, and it looks really pretty. बहुत ज़्यादा flowy skirt है, बहुत अच्छा है, इससे body shape अच्छा दिखता है, और इसका material अच्छा है, flowy है, warm है, so perfect to go with this. और ये स्वेटर भी बहुत वॉर्म है, इसका मटेरियल पतला है बट नॉट बैड, अच्छा है, और इसको मिक्स एंड मैच करके किसी के साथ भी पहना जा सकता है, सो बेस्ट है. दिस हाई नेक गोज रियली वेल विद दिस वॉटरफॉल कोट, सो आई कीप वेयरिंग इट फॉर द रेस्ट ऑफ माई डे. एंड दैट्स इट फॉर टूडे, दैट वॉज माई शॉपिंग हॉल. कॉमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन सा ज्यादा स्वेटर सबसे ज्यादा अच्छा लगा, एंड वॉट विल यू बाय इफ यू वॉन्ट टू बाय. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, like this video, share this video with your friends, and I'll see you next time. Bye bye.